अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वीयू खानपुर चैनल। और आपको पता है कि डेट शीट का मसला, जैसे स्टूडेंट्स लॉगिन करते हैं उनको एक मसला पेश आता है सामने, और वो मसला होता है कि नो मोर सेशन अवेलेबल। पिछली मैंने वीडियो बनाई थी कि आप अगर आपको ये मसला आ रहा है तो फिर आप यूनिवर्सिटी को ये कंप्लेन करें। लेकिन अब थोड़ा सा उसमें बेहतरी आ गई और अब डेट शीट बनना शुरू हो गई, बहुत सारे स्टूडेंट ने बना ली होगी। तो मैं आपको बताता हूं कि डेट शीट आपने कैसे बनानी है और इसको मसले को कैसे हल करना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम रूटीन से ज़्यादा लगेगा। पहले जो अगर मसला नहीं होता था तो आप एक सेकंड या में एक पेपर सेलेक्ट कर सकते थे, यानी आसानी के साथ, कोई एरर नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई मसला नहीं। तो अब थोड़ा सा टाइम उसमें ज़्यादा लग रहा है लेकिन डेट शीट बन रही है। तो चले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करनी है। अगर आप अभी हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और पहली दफ़ा ही चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। सबसे पहले आपने देख लेना है, मैं यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है वो यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक इंटरफेस आपको बताया कि लॉगिन किया हुआ है, यहाँ से आप डेट शीट बनाते हैं इस एड्रेस को दे के। तो अब यहाँ पर पहले तो है कि जिन लोगों ने अपना सिटी चेंज करना है वो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिटी चेंज नहीं करेंगे, हमने मेक डेट शीट करना है। ये हमने मेक डेट शीट क्लिक किया, उसके बाद हमने यहाँ से जो गिवन सेंटर होता है वो सेलेक्ट करना होता है और यहाँ से कंफर्म करना होता है। अब यही मसला था, ठीक है, नो मोर सेशन आ रहा है। अगर हम अगले को देखें और इसके बाद अगले को देखें, उसके बाद कोई भी देख लें, तो ये एक ही चीज़ चल रही है। मैं यहाँ, मैंने इस वीडियो को कट नहीं करना, सारी की सारी आपके सामने बनानी है ताकि आपको पता चल जाए। अब यहाँ पर देखें, ये बिल्कुल किसी भी डेट में मुख्तलिफ़ मैंने रेंडमली डेट्स यहाँ पर डाली हैं, लेकिन सारे के सारे नो मोर सेशन अवेलेबल आ रहा है। अब आपने करना क्या है कि यहाँ से हम इसको ना रिफ़्रेश करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको एक दफ़ा कंफर्म करेंगे और फिर एक दफ़ा हम इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखें, ये डेट शीट्स जो है ना हमारे सामने इंटरफेस ओपन हो गया। बाज़ुकात एक दो दफ़ा रिफ़्रेश करने से आ जाता है और बाज़ुकात तीन चार दफ़ा आपको रिफ़्रेश करना पड़ता है यहाँ जाके, और फिर आपका आ जाता है। हम देखें, अब हम डेट शीट यहाँ से आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह आपने ओके करते जाना है और आपकी डेट शीट बन जाएगी। तो ये सिंपल सा तरीका आज जो है वो नज़र आया है और बहुत सारे स्टूडेंट ने फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठा के बना ली है डेट शीट। तो अब यहाँ पे जो अगर तो वहाँ पे सीट्स अवेलेबल होंगी तो आपका यह इंटरफेस शो कर देगा कि सीट्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर वहाँ पे नहीं होंगी तो फिर वो आपको कंफर्म करेगा कि यहाँ पे सीट्स अवेलेबल नहीं हैं। और उसके लिए फिर आपने ये वाला मैसेज नहीं होगा, तो वो दूसरी तरह का एक मैसेज शुरू होता है कि मज़ीद जो है आप इस दिन में पेपर नहीं दे सकते। तो ये देखें जी, आपके सामने मैंने डेट शीट बना दी है। और इसके अलावा भी मज़ीद चेक कर लेते हैं। और जैसे आप डेट शीट बनाएं, यहाँ पे आपके टाइम्स आ जाते हैं, डेट्स आ जाती हैं, कंफर्म हो जाता है और ये डेट शीट कंफर्म हो जाती है। इसके बाद आप चाहें तो गेट एग्जामिनेशन पासवर्ड एंड एंट्रेंस स्लिप, इसको क्लिक करके ये जो बटन है इसको सेंड करेंगे तो ये ईमेल आपके जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाला ईमेल आपने मोबाइल में लगाया होता है उसके ऊपर चली जाती है और सेव हो जाती है। अब अगर आप यहाँ से प्रिंट करना चाहें तो इसको प्रिंट करवा सकते हैं। और यहाँ पर पिक्चर शो हो रही है, बहुत सारे लोगों की पिक्चर नहीं आ रही थी, तो वो दो दिन के बाद दोबारा से लॉगिन कर लेंगे, उनकी डेट शीट बनी होगी और पिक्चर भी उसमें आ जाएगी। तो इस तरीके से आप डेट शीट बना सकते हैं। अब इसको हम यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं और एक और डेट शीट बनाने की कोशिश करते हैं। दोबारा से लॉगिन करते हैं, ये हम दोबारा से एक डेट शीट बनाएंगे एक और देखते हैं कि क्या होता है। साइन इन करते हैं और यहाँ पे भी हम जो है ना वो डेट शीट का जो सिटी है ना वो चेंज नहीं कर रहे, हम जस्ट जैसा है और बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर ही डेट शीट बनाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या मसला आता है। सबसे पहले हमने यहाँ से कैंपस सेलेक्ट कर लेना है, कंफर्म करना है और इसके बाद ओके, उसके बाद देखते हैं कि ठीक। तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने कहा है कि जो आखिरी पाँच थे ना उसमें पेपर रख दें। तो एक दो तीन चार पाँच, चार से लेकर जो है वो पेपर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी देखें, चार को, पाँच को, उसके बाद छः को,
उसके बाद 7 को, उसके बाद 8 को यहाँ पे देखें तो नो मोर सेशन अवेलेबल आ रहा, यानी सेम प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे आपने ये नहीं सोच लेना कि नहीं हो रहा, मैं पिछली डेट शीट में भी आपको बता चुका हूँ। तो हमने क्या करना है कि यहाँ से इसको ना रिफ़्रेश करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, फिर उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं, कन्फर्म करते हैं और फिर यहाँ पर आ जाते हैं। फिर अभी नहीं आ रहा सेशंस, ठीक है नहीं आ रहा, तो हम फिर एक दफ़ा यहाँ पर जाकर रिफ़्रेश कर लेते हैं इसको और यहाँ से फिर कन्फर्म। जब तक हमारा सिस्टम शो नहीं हो जाता तब तक हम करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें फिर रिफ्रेश कर लेते हैं। अब होता है मैंने यहाँ पे इस वीडियो को कट नहीं करना और जैसे है वैसे ही आपके सामने पेश कर देनी है। यहाँ पे पिछली जो वीडियो डेट शीट बनाई उसमें हमने जस्ट वंस रिफ्रेश किया था, एक ही दफ़ा रिफ्रेश किया था और डेट शीट का इंटरफेस वो प्रॉपरली चीज़ें सामने आ गई थी, लेकिन यहाँ पर हम बार बार कर रहे हैं लेकिन आ नहीं रहा, लेकिन आ जाएगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, जब तक आपकी डेट शीट उसमें बन नहीं जाती आपने इसको ना बार बार रिफ़्रेश करना है और यहाँ पे वापस आते जाना है, इंशाल्लाह शो हो जाएगी। और जब भी आप रिफ़्रेश करेंगे आपको यहाँ पे जो अपना सेंटर है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी भी नहीं हो रहा, हमने इसको 4 दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन जब तक होगा नहीं हम इसको कट नहीं करेंगे वीडियो को और आपके सामने इसको बनाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर भी नहीं आ रहा, इस टाइम पे भी नहीं आ रहा, हम 6 दफ़ा कर चुके हैं, रिफ़्रेश कर रहे हैं इसको बार बार, लेकिन हमने डेट शीट को बना के ही दम लेना है। तो बाज़ूकात बहुत जल्द हो जाता है और बाज़ूकात थोड़ा सा टाइम ले जाता है, ये सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं एक ही टाइम के अंदर कांटेक्ट कर रहे होते हैं सर्वर से, और आपको पता है कि सर्वर की एक लिमिटेशन होती है कि एक टाइम के ऊपर वो कितनी जो इंस्ट्रक्शन है उसको कर सकता है। तो यहाँ पे देखें ये हमारा हो गया शो और हम अब फौरी तौर पर इनको पेपर बना लेते हैं। 4 के बाद 5 को एक रख लेते हैं 8 बजे, और यहाँ पर देखें ये सीट्स अवेलेबल आ रही हैं सारी की सारी, और अगर सीट्स नहीं होंगी तो फिर यहाँ पे शो होगा कि जो है ना वो सीट्स फुल हो चुकी हैं। यहाँ पे टाइम भी शो हो रहा है और अवेलेबल सीट्स की जो तादाद है वो भी आपके सामने शो हो रही है। तो इस तरह आपने जैसे यहाँ पे हमने इस डेट शीट को बनाते हुए 6 से 7 दफ़ा रिफ़्रेश करना है और अपनी डेट शीट को कम्प्लीट कर लेना है। ये जी आपकी डेट शीट होगी, इसके बाद हम इंटरेस्ट स्लिप गेट कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको सेंड कर सकते हैं और ईमेल के ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हम लॉग आउट कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं और ये हमारी डेट शीट कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह आप डेट शीट बनाएं और कंप्लीट कर लें जल्द से जल्द अपनी डेट शीट का, इंशाल्लाह ये मसला भी आपके सामने हल करके दिखा दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी सोल्यूशन हो इन सारे मामलों का आपके सामने फ़ौरन आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।